आज हम लिखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर निबंध। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया सफेद और सफेद और हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियां समान अनुपात में है। केसरिया रंग सबसे ऊपर सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय झंडे का प्रत्येक रंग भारत की पहचान और आकांक्षाओं
के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। झंडे के तीनों रंग एक साथ मिलकर एक राष्ट्र के रूप में भारत की एकता और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं। जो देश की निरंतर प्रगति का प्रतीक है।